आज बात करते हैं कि निराश जब होते हैं, उदास होते हैं, तो अपने आप को किस तरह से उसे बचाए या क्या करे। यूजली देखिए, जब लोग निराश होते हैं, कोई कारण है, कुछ तो भी हो जाता है, पैसे खो गए, कुछ लूट गया, धंधे में लॉस हो गया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। लोग निराश और हताश हो जाते हैं, चिंता हो जाती है, फिर लोग कुछ ना कुछ उसके ऊपर तकनीक निकालते हैं, लाइक कभी घूमने चले गए, कोई पिकनिक मनाने चले गए बाहर दूर, या फिर होटलिंग किए, रेस्टोरेंट में गए, खाए पिए, दोस्तों के साथ में टाइम बिताए। ऐसा अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। देखो, ये सब टेम्पररी सोल्यूशन है, हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, कुछ भी हो गया, समझो गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, अब गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया और ये लड़के को बहुत उदासीनता आ गई, दिमाग में बहुत ही निराश हताश हो गया है, कन्फ्यूजन है, बार 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 वही विचार आ रहे हैं। अभी कुछ भी किया है टेम्पररी, कॉफ़ी लिया, खाना खाया, जो भी किया वो टेम्पररी है। हमें ये देखना है कि अभी जो डिस्टर्बेंस मुझे है, अभी इस वक्त जो हो रहा है कि मुझे उदास लग रहा है, हताश लग रहा है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया ऐसा लग रहा है, क्या वो अभी हो रहा है? अभी मतलब अभी इस वक्त हो रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो 8 दिन पहले उसने छोड़ दिया, मतलब 8 दिन पहले घटना हुई, अभी भी मुझे उसके वजह से हताश और निराश लग रहा है, क्या अभी हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अभी अभी मुझे वो घटना की तरफ इस तरह से देखना चाहिए कि वो लड़की ने मुझे छोड़ दिया, हो सकता है कि मैं बर्बाद हो गया ऐसा मुझे लगता है। कोई बोलेगा कि वो लड़की ने छोड़ दिया और कोई लड़का उसके साथ में था पहले, और वो लड़की ने उसको भी छोड़ दिया था पहले, वो आबाद हो गया। देखो, एक मेंटल हॉस्पिटल में कुछ लोग इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे, तो एक मेंटल पेशेंट जो है, पागल पेशेंट, वो पंखे को खुद को लटका के चिल्ला रहा था, ओ लैला ओ लैला ओ लैला ऐसा चिल्ला रहा था। तो जो विजिटर थे उन्होंने पूछा कि ये क्यों चिल्ला रहा है, बोले लैला नाम की जो लड़की थी, वो लड़की ने उसे छोड़ दिया, और वो छोड़ दिया तो वो पागल हो गया, और इसलिए वो हरदम लैला लैला चिल्लाता। और आगे गए तो दूसरा और एक पेशेंट था, वो भी पंखे को लटका के वो लैला लैला चिल्ला रहा था, और वो भी पागल था। बोले ये क्यों लैला ना चिल्ला रहा है? बोले जो लैला को जिसने छोड़ दिया था ना, वही लैला ने उसे शादी कर दिया और ये पागल बन गया। कहने का मतलब यह है कि वो घटना में कुछ नहीं है, घटना को हम अर्थ क्या लगाते हैं, उसका मीनिंग क्या लगाते हैं, उससे फर्क पड़ता है। एक ही घटना है, उसको 5 लोग 5 मीनिंग लगा देंगे, और 5 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब क्या घटना में कोई प्रॉब्लम है? घटना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि 5 लोगों ने 5 अलग अलग अर्थ लगा दिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वो मीनिंग में है। फिर हमने क्या करना चाहिए? हमने वो देखना चाहिए कि अभी जो भी हो रहा है मुझे, अभी इस वक्त प्रेजेंट में जो हो रहा है, क्या वो अभी हो रहा है? वो घटना अभी हो रही है? बिल्कुल नहीं है। उसका जो मतलब मैंने निकाला हुआ, उसकी जो हकीकत मैंने तैयार की हुई, उसकी जो स्टोरी मैंने तैयार की, वो अभी हो रही है, और इसके वजह से मुझे सब तकलीफ हो रही है। तो उसको यदि मैं प्रेजेंट हो गया, वो माइंड को मैंने डिक्लटर कर दिया, उसको मैंने साफ कर दिया कि वो जो तकलीफ मुझे है, निराशा जो है, हताश जो है, वो घटना जो है, उसको मैंने जो जिस तरह से देखा है, उसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, वो यदि मैं उसको प्रेजेंट हो जाता हूँ, घटना तो अभी नहीं हो रही है, ये मेरा इल्यूजन है कि मैं बर्बाद हो गया, ये मेरा इल्यूजन है कि अभी मैं ऊपर नहीं उठ सकूंगा, ये मेरा इल्यूजन है कि अभी मुझे मेरी जिंदगी में कुछ भी पड़ा नहीं है, ये सब मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये सब मेरी कहानी है, और वो कहानी से मैं दूर हो जाता हूँ, वो कहानी को प्रेजेंट हो जाता हूँ, घटना घटना की तरफ है, वो 8 दिन पहले हुई है, 15 दिन पहले हुई है, वो हुई है, वो होके चली, अभी तो नहीं हो रही है वो, और उसको फिर मैं कुछ अच्छा मीनिंग लगाता हूँ तो मेरा मन शांत हो जाएगा, निराशा और हताश जो है, जो मुझे लगता है, वो ठीक हो जाएगा और मैं अच्छा जीवन जी सकूंगा। थैंक यू वेरी मच।